वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार कर दिया है। आज इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है जी कि आप मेरी गारंटी दें, मेरी सिक्योरिटी दें। बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के 10 लाख रुपए तक आसान शराइत पर 3% मार्कअप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही कह लें उस पर आपको मिल सकता है। बहुत ज्यादा तादाद में गुजरात के नौजवान इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। इसी तरह इसका जो दूसरा टेयर है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, थर्ड 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक, गुजरात में बहुत पोटेंशियल है और मैं समझता हूं कि गुजरात के कारोबारी लोगों को सरकारी सतह पे वो मुकाम नहीं दिया गया, वो सपोर्ट नहीं दी गई जिसके हकदार थे गुजरात की ताजर बरादरी। आप लोगों का एक ही मेरिट है, आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और दूसरा आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में कारोबार करने की सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको आपकी अपनी काबिलियत में इंशाल्लाह ताला ये आसान शराइत पर कर्ज मिलेंगे। खान साहब ने पाकिस्तान के नौजवानों को के लिए मजीद इन्हेंस किया है, कामयाब जवान प्रोग्राम को मजीद बड़ा किया है जिसका पहला टीयर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है। इस पहले टीयर की खास बात यह है, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ना किसी हुकूमत ने ना किसी वजीर आजम ने क्लीन लैंडिंग पाकिस्तान के नौजवानों पे इतना एतमाद किया हो कि बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के आप अपनी एक शख्सी जमानत पे, गारंटी पे बिजनेस प्लान दे के बैंक से 10 लाख रुपए तक आसान शराइत पर 3% मार्कअप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही कह लें उस पर आपको मिल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो नौजवान जिनके पास काबिलियत है, पहला टीयर जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए तक कोई भी छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार कर दिया है। आज इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है जी कि आप मेरी गारंटी दें, मेरी सिक्योरिटी दें। तो मेरा पैगाम है गुजरात के नौजवानों को, एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कारोबार में आना चाहते हैं, कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ, समझदारी और ईमानदारी के साथ कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मुझे पूरी उम्मीद है ये 10,500 एप्लीकेशन जो अभी तक आई हैं तकरीबन 18.5 अरब रुपए की गुजरात के हमें रीजन से, बहुत ज्यादा तादाद में गुजरात के नौजवान इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। इसी तरह इसका जो दूसरा टेयर है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, उसमें कोलेट्रल रखा गया है, 4% का मार्कअप है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट समझे। थर्ड 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक बिल्कुल आसान शराइत पर, कोई ऐसा माजी में ऐसी कोई स्कीम या प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो हमारे SME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसमें मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 3 चीजों पे SME सेक्टर में खास तौर पे तवज्जो भी दे रहे हैं और बकायदा मीटिंग शेयर कर रहे हैं। एक जो मैंने आपके सामने रखा है, वसाइल तक रिसाई, वो हमने कामयाब जवान प्रोग्राम की इस आसान शराइत पर 1 लाख से 2.5 लाख तक की आपको एक्सेस दे दी है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बेशुमार स्टेप्स लिए गए हैं, आसानियां पैदा की गई हैं कि अगर कोई शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बिजली का कनेक्शन और दीगर चीजें जो माजी में आप कारोबार शुरू करना चाहते थे लेकिन उस कारोबार को शुरू करने में इतनी मुश्किलात थी कि लोग पीछे हट जाते थे, उस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खास हदायत पे हमारे फेडरल से और हमारी सूबा पंजाब से जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं, मजीद चीजों पर काम हो रहा है। तीसरी चीज थी जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हर कारोबार में कारोबार की जो प्रोडक्ट है उसकी लागत, कंपटीशन करने के लिए बिलखसूस जो हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं जब वो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना होता है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का सामना होता है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी चीजों में टैक्सेस में कमी भी की गई है और मजीद अगले 3 से 4 माह में मजीद मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो है उसमें कमी करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को आपकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आसानी पैदा हो सके। गुजरात में बहुत पोटेंशियल है और मैं समझता हूं कि गुजरात के कारोबारी लोगों को सरकारी सतह पे वो मुकाम नहीं दिया गया, वो सपोर्ट नहीं दी गई जिसके हकदार थे गुजरात की ताजर बरादरी, हमारे कारोबारी हजरात, वरना जो पोटेंशियल मैंने अभी देखा है और जो हम सुनते आ रहे हैं और जो एक गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाती है सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला को लेके, मेरा ये ईमान है इस गोल्डन ट्रायंगल को सरकारी सतह पे हम सपोर्ट करें, आप लोगों के रास्ते में कारोबार करने में जो रुकावटें वो दूर की जाएं तो माशाल्लाह आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में,
मैन्युफैक्चरिंग में, लोकल इंडस्ट्री में आप लोग माशाल्लाह रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारी ये कोशिश है इस गोल्डन ट्रायंगल को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आसान शराइत पर आप लोगों को कामयाब जवान प्रोग्राम के वसीले से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके दी जाए। उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कामयाब जवान प्रोग्राम का कोई फैसिलिटेशन डेस्क बना दें, आप फोकल पर्सन लगा दें, आपकी इंडस्ट्री के जो लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि ये कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को जो मुझे सुन रहे हैं यकीन दिलाता हूँ, कामयाब जवान प्रोग्राम ऐसी बुनियादों पे आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को, किसी भी नौजवान को पार्टी के तराजू में नहीं तोलेंगे कि इसकी सियासी वाबस्तगी किस जमात के साथ। आप लोगों का एक ही मेरिट है, आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और दूसरा आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में कारोबार करने की सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको आपकी अपनी काबिलियत में इंशाल्लाह ताला ये आसान शरायत पर कर्ज मिलेंगे। अभी तक हमें तकरीबन 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी है और 350 अरब रुपए के करीब एप्लीकेशन आ चुकी है, वो सब प्रोसेस में है। इसका एक पहले तो 3 बैंक्स थे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, मैं उन तमाम बैंक्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखसूस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस तक लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, बैंक ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हैबर बैंक का। ये 3 बैंक पिछले 6 माह से काफी तेजी से काम कर रहे थे, कोरोना की वजह से कामयाब जवान प्रोग्राम पे काम रोक दिया गया था, अब पिछले 1 माह से हमने दोबारा तेजी से काम शुरू किया है। 18 नए बैंक इसमें आ चुके हैं, उसकी तफसीलात kamyabjawan.gov.pk पे मौजूद हैं, उधर ही एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है। आप जो सा बैंक आपको फ्रेंडली लगता है आप उसे सिलेक्ट करें, अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग कामयाब होंगे। मकसद हमारा जैसे मैंने आपको कहा है पाकिस्तान के SME सेक्टर को उठाना है, छोटे कारोबारी को जिसे नजरअंदाज किया गया माजी में। हमारा SME सेक्टर पाकिस्तान के GDP में तकरीबन 25% इसकी कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट जिसकी हमें बढ़ाने की शिद्दत से जरूरत है उसमें 30% के करीब हमारे SME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इसी सेक्टर को हम एक्सेस टू फाइनेंस देखें तो पाकिस्तान के टोटल जो हमारा लोनिंग सेक्टर है उसमें शायद 6% के करीब SME सेक्टर को पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम SME सेक्टर पे फोकस करें, SME सेक्टर ही हमारा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही कॉटेज इंडस्ट्री माइक्रो बिजनेसेस जॉब क्रिएशन का इंजन है इस मुल्क में। कोशिश रहती है जी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें या बड़े कह लें लोन दिए जाएँ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमेशा टेक्नोलॉजी लेके आती है, जॉब क्रिएशन आपका SME सेक्टर करता है, कॉटेज इंडस्ट्री करती है, छोटा कारोबार करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कमिटमेंट के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, आपके तमाम मेंबर्स को, जो भी आपका मेंबर, हमने वैसे भी स्कोर कार्ड में पॉइंट्स रखे हैं, जिसके पास चैम्बर की मेंबरशिप है या वो अगर चैम्बर का मेंबर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तावन के साथ अगले मुझे उम्मीद है 3 से 6 माह में आप लोग देखेंगे कि ये 10,500 एप्लीकेशंस जो आई हैं और मज़ीद अभी हमारा पोर्टल ऑन है, मज़ीद एप्लीकेशंस भी आएंगी, तो आप लोगों के साथ मिलकर हम गुजरात में इंशाल्लाह ताला बेहतरी लेके आएंगे। Ace Money Transfer, delivering your promises.